काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें ये कैसे मालूम होगा कि जर्मनी की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यूनी असिस्ट में इन्वॉल्व हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में यूनी असिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के नाम से एक लिंक दिया गया है, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डिस्प्ले आ जाएगा। इस पेज पर आके आपने बॉटम तक स्क्रॉल करना है और लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये आपके सामने उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ चुकी है जिनमें यूनी असिस्ट इन्वॉल्व हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें ये कैसे मालूम होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के केस में हमने अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज को यूनी असिस्ट में सेंड करना है या नहीं। तो उसके लिए आपने जस्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा डिस्प्ले आएगा। अगर तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ गया ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसका मतलब है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज को सेंड नहीं करना, आपने जस्ट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूनी असिस्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर देने हैं। और अगर आपको ये लिखा हुआ नजर ना आए तो इसका मतलब है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज को सेंड लाजमी करना है यूनी असिस्ट में, तभी आपकी एप्लीकेशन इवेलुएट की जाएगी। इसके अलावा अगर आपको यूनी असिस्ट के मुताबिक कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके आप देख सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो।